पहले बारिश और फिर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने भारत को 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज जीत के साथ नहीं करने दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही मैच में भारत को 4 रनों से मात दे दी। भारत ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। आपको बता दें कि मैच के बाद कोहली ने ऋषभ पंत के खराब शॉट खेलने और आउट होने का मैच को निर्णायक पल बताया, तो वही सौरभ गांगुली ने तो पंत को अपनी बल्लेबाजी सुधारने के लिए कह दिया। सौरभ गांगुली ने सीधे तौर पर कहा कि अब ऋषभ पंत को अपने शॉट सिलेक्शन में काम करना होगा। यदि उन्हें बड़े मैच का खिलाड़ी बनना है तो ऐसी गलतियों से बचना होगा। गौरतलब है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई T20 सीरीज के 3रे मैच में भी पंत कुछ इसी तरह से बचकानी शॉट खेलकर आउट हुए थे, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। ऋषभ पंत जिस समय दूसरी T20 में आउट हुए, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत की टीम मैच जीत सकती है। पंत के आउट होने के समय भारत को 17 रन की दरकार थी, लेकिन एक बेवकूफी भरे शॉट ने मैच का पूरा समीकरण ही बदल दिया और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मेलबर्न में खेला जाना है। अब देखना होगा भारतीय टीम इसमें क्या कमाल करती है। इस खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा।